आज हम लोग बात करेंगे बेटर अप टाइम जो कि एक अपाइम मॉनिटरिंग सर्विस है उसके बारे में हाय <ण्णाग> गाइस मेरा नाम है कृपेश आडवाणी यहां पर मैं हेल्प करता हूं आप लोगों को एक बेटर सॉफ्टवेयर परचेसिंग डिसीजन लेने के लिए तो आज हम लोग बात करेंगे बेटर अप टाइम के बारे में ये अभी एप्समों पर डॉलर फोर्टी नाइन का मिल रहा है मैं मैंने खुद ने इसे परचेस किया है तो आज मैं आप लोगों को इसका बेसिक ओवरव्यू दूंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस है मेरी क्या ओपिनियन है इस टूल के बारे में एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है नीचे आप लोगों को मेरी एफिलिएट लिंक मिलेगी मतलब अगर आप लोग उस लिंक से परचेस करोगे तो मुझे कमीशन मिलेगी बिना किसी आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट को पे किए हुए वो मुझे हेल्प करता है कि मैं इस तरह के यहाँ पे अनबायस्ड वीडियोज़ कर पाऊँ रेगुलरली तो ये जो बेटर अप टाइम है बेसिकली अप टाइम मॉनिटरिंग मशीन है मतलब जब भी आपकी वेबसाइट डाउन होगी तो आपको एक ईमेल आ जाएगा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके ऊपर कि आपकी वेबसाइट नहीं काम कर रही है तो ये चीज़ मैं अपने हर होस्टिंग के टेस्ट में भी इंक्लूड करता हूँ और अपनी हर वेबसाइट में मैंने लगा के रखा है ताकि अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाए एंड मैं उस टाइप से अपने एक्शन को ले सकूँ तो अब यहाँ पे मैं सीधे टूल के ऊपर आपको लेके चलता हूँ जैसे ही लॉग करोगे आप लोगों को इस टाइप के यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी तो इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस है इसका काफी क्लीन काफी अच्छा इंटरफेस है एंड ये लोग फंक्शन भी बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं मैं यहाँ पर अभी दो तीन जो इनके मेन फंक्शन है सिर्फ उसी के बारे में बात करूँगा सबसे पहले बात करते हैं अप टाइम मॉनिटर के बारे में तो जैसे मैं यहाँ पे होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग पे जाते हैं हम लोग तो ये रहा यहाँ पर इसका पूरा ग्राफ ये आपको दिखाता है तो टुडे यहाँ पर हंड्रेड है लास्ट सेवन डेज में एक घंटे फोर्टी नाइन मिनट्स के लिए डाउन गई है तो ये डाउन नहीं गई है यहाँ पे मैंने खुद ने इंटेंशनली वेबसाइट को डाउन किया था इसे टेस्ट करने के लिए मैं आपको अभी बताऊंगा कि मुझे कैसे ईमेल आते हैं कैसा इंसिडेंट आता है तो इस टाइप से यहाँ पे इसका इंटरफेस है यहाँ पे अलग अलग स्पीड अलग अलग सर्वर से यहाँ पे मुझे पिंग स्पीड्स बता रहा है तो जैसे ही आपकी वेबसाइट डाउन होती है आपको इस तरह का मेल आ जाता है कि प्लीज एक्नोलेज दिस इंसिडेंट ये ये इंसिडेंट हुआ है ये रहा मेरा यू और क्या कॉज है और कितने बजे स्टार्ट हुआ ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है आपको इमिडिएटली आ जाता है ये ये चीज जो है ये हर 30 सेकंड में आपका अपटाइम चेक करती है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में यूजुअली पेड टूल्स में भी आपको हर एक मिनट में वो चेक करते हुए दिखेंगे यहाँ पे हर 30 सेकंड में यहाँ पे लोग स्टार्ट करते हैं अपटाइम को चेक करते हैं जो कि डेफिनेटली काफी अच्छा है तो यहाँ पे मैं इंसिडेंट पे जाता हूँ एंड जैसे ये रहा मेरा पुराना इंसिडेंट मैंने इसको रिजोल्व कर दिया है यहाँ पे एक चीज अच्छी ये है कि लोग स्क्रीन भी ले लेते हैं कि डाउन गई थी तो क्यों गई थी तो यहाँ पे मैंने फोर ओवर और फोर एयर थ्रो किया था तो उसकी वजह से वाला पेज यहाँ पे बता रहा है मुझे स्क्रीनशॉट इन्होंने ले लिया है और यहाँ पर डिटेल्ड आपको रिपोर्ट भी मिल जाती है कि क्या मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स आया था तो अगर आप लोग डेवलपर हो तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि क्या एक्जैक्टली exactly प्रॉब्लम हुई थी क्या शेयर्ड सर्वर की वजह से प्रॉब्लम हुई थी क्या आपने वेबसाइट में कुछ कोडिंग वगैरह गलत करके रखी थी उसकी वजह से हुई थी एंड ये पूरी यहाँ पे नीचे और डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाती है कि यूआरएल क्या है उसका आईपी एड्रेस क्या है क्या वहाँ से कीवर्ड रिटर्न्स हुए हैं और क्या हेडर्स थे सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से मुझे मिल जाती है और यहाँ पर नीचे आपको टाइमलाइन भी मिल जाती है कि कब स्टार्ट हुआ फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया इसका रिस्पांस ले लिया फिर जो ईमेल मिला वो मैंने कब खोला ये भी मुझे मिल जाता है एंड कब मेरा मॉनिटर यहाँ से रिकवर हुआ और कब मैंने इसको एक्नोलेज किया यहाँ पर कब मैंने इसको क्लोज किया ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस टाइम लाइन में रिकॉर्ड हो जाती है तो आप टाइम मॉनिटर के लिए काफ़ी यहाँ पे डिटेल प्रोसेस है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसके बाद यहाँ पर आपको ये वीकली रिपोर्ट भी सेंड करता है मैं इसे विंडसडे से यूज़ कर रहा हूँ तो विंडसडे सर्सडे यहाँ पे सब मेरी अवेलेबल थी हब हमेशा हर दिन मेरी कितनी परसेंट यहाँ पे अवेलेबिलिटी रही है पिछले सात दिनों में ये चीज़ मुझे मेल करके हर हफ्ते बताएगा और क्या यहाँ पे कब मेरी कौन सी होस्टिंग में एरर आया था कौन सी होस्टिंग में इंसिडेंट था कितने घंटे के लिए चला वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे इस वीकली रिपोर्ट में बता देगा वो तो इसका आप टाइम मॉनिटरिंग फीचर तो डेफिनेटली अच्छा है ही फिर यहाँ पर जो इसका अगला फीचर जो मुझे अच्छा लगा है वो है इसका स्टेटस पेज ये स्टेटस पेज किस टाइप का दिखता है मैं आपको बता देता हूँ तो ये मैंने अपनी एक वेबसाइट पे स्टेटस पेज लगा के रखा है यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपकी कितने दिनों के लिए वेबसाइट यहाँ पे ऑपरेशनल थी ऊपर यहाँ पे मेरा लोगो लगा हुआ है एंड नीचे यहाँ पे मैंने अपना ट्विटर अकाउंट कनेक्ट करके रखा है तो ये पेज को आप इजीली डिजाइन कर सकते हो इसके थ्रू ये स्टेटस पेज फ्रीलांसर्स के लिए काफी अच्छा हो सकता है ये अपने क्लाइंट्स को वो दे सकते हैं और उनसे एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हैं इस स्टेटस पेज के लिए इसको एक एक्स्ट्रा ऑन की तरह वो लोग उन्हें दे सकते हैं अगर उनकी कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है तो उनको ये चीज़ डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लगने वाली है कि कब डाउन गया कब अप आया ये चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है उन्हें और ये चीज़ एज अ फ्री आपको भी एक लेवल अप कर देगी जो कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो आप प्रोवाइड करोगे अब यहाँ से मैं स्टेटस पेज को पूरा कस्टमाइज कर सकता हूँ गेट इन टच यू ये जो है यहाँ पे मुझे मेल आ जाएगा यहाँ पे आप लोग अपना कुछ भी हेडिंग्स वगैरह डाल सकते हो वेबसाइट वगैरह डाल सकते हो लोगोज यहाँ पे चेंज कर सकते हो ट्विटर की फीड यहाँ पे सेट कर सकते हो फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी ऑप्शन है अगर आपको काफी कुछ यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो काफी पॉपुलर स्लैक्स इंटीग्रेट करना है हार्ट बीट हार्ट बट अगर आप लोग क्रॉन जॉब्स वगैरह यूज़ करते हो पी स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज करते हो तो ये वाला टूल आप लोग काम का होने वाला है टीम मेंबर्स के भी यहां पे काफी अच्छे ऑप्शन है मान लो मैंने ईमेल नहीं खोला अगले दस मिनट तक तो वो ई मेल ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा मेरे बाकी टीम मेंबर्स को वो भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूं तो टीम मेंबर्स के लिए भी अच्छा ऑप्शन है इसमें यहाँ पे बेटर अप टाइम का पब्लिक रोड मैप भी है जहां पे उन्होंने बताया कि वो कौन से फीचर्स पे काम कर रहे हैं कौन से फीचर्स उनके हो चुके हैं एंड कुछ अगर आपको फीचर सजेस्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो जो मुझे काफी अच्छे फीचर्स लग रहे हैं जो भी आने वाले हैं वो एक पुश नोटिफिकेशन को लेकर के कभी भी मेरी वेबसाइट डाउन जाए तो मुझे मेरे मोबाइल पे पुश नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी वेबसाइट डाउन गई है एंड मैं उस पर क्विकली रिएक्ट कर पाऊंगा अब अगर मैं इसकी यहाँ पे प्राइजिंग की बात करूं तो ये स्टार्ट एक यूजर सो मॉनिटर सौ वेबसाइट्स को पे आप लोग ट्रैक कर सकते हो उसको हटा सकते हो वापस से दूसरी नई वेबसाइट डाल सकते हो उसके बदले तो ये चीज मैक्सिमम यूजर्स के लिए ये वाली चीज काफी अच्छी रहेगी अगर लोग एक फ्रीलांसर हो तो आपको स्टेटस पेजेस की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आप लोग थोड़ा और हाई प्लान ले सकते हो टेन स्टेटस पेज वाला ले सकते हो ट्वेंटी स्टेटस पेज ले सकते हो अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए तो फाइव कोर्ट्स पे जाके आपको अनलिमिटेड स्टेटस पेजेस मिल जाएंगे अगर आपके अच्छे क्लाइंट्स हैं तो आप इसे डेफिनेटली इस मनी को इजीली रिकवर कर सकते हो अपने हर एक क्लाइंट से अगर आप पाँच पाँच डॉलर भी एक्स्ट्रा चार्ज करोगे पर मंथ भी उनसे फीस लोगे इस चीज़ के लिए तो आपके इजीली यहाँ पे रिकवर हो जाएंगे लेकिन अगर आप लोग तो मेरे जैसे हो तो आपको स्टेटस पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर फ़ोन कॉल्स भी है एस भी है लेकिन हमें उससे फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लोग एशिया में रहते हैं हमें फ़ोन कॉल्स वगैरह नहीं आएंगे तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा अगर मैं इसमें कॉल और एस के फ़ीचर्स हटा भी दूँ तो भी जो ये लोग सर्विस दे रहे हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है काफ़ी इंप्रेसिव लगा है और जो इनका है वो कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बीटा में है या अनफिनिश्ड है या फिर इसमें बग्स है काफी पॉलिश प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलता है। सो बेटर टाइम स्टेबल भी है इसकी यूआई भी अच्छी है इनका सपोर्ट भी अच्छा मिला है मुझे और जो इनका थर्टी सेकंड वाला अपटाइम चेकर है वो भी काफी फास्ट है यूजुअली अलग अलग वेबसाइट में आपको एक एक मिनट तक के मिलते हैं किसी में एक मिनट किसी में दो मिनट यहां पे आपको थर्टी सेकेंड मिल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इस टूल को स्टैंड आउट कर देता है एंड मेरी ओपिनियन में अगर आप वे एक वेबसाइट ओन करते हो उसमें से आपको रेवेन्यू आता है एटलीस्ट अगर थाउजेंड डॉलर का भी आ रहा है पर मंथ तो इस टूल में आप लोगों को इन्वेस्ट करना बनता है या फिर अगर आप लोग एक फ्री आंसर हो दूसरों के लिए डिजाइन कर दो तो भी इस टूल में आपको इन्वेस्ट करना बनता है डेफिनेटली आप रिकवर कर लोगे या आपको एक स्टैंड आउट कर लेगा एंड मेरे हिसाब से ये जो टूल है ये जो अभी आप समय पर डील मिल रही है इट्स अ स्टील अगर अभी तक आप लोगों के पास कोई एक पेड अप टाइम ट्रैकर नहीं था तो इस टूल में इन्वेस्ट कर लो यू विल नॉट रिग्रेट इट मैं अभी तक अप टाइम रोबोट यूज कर रहा था बट अब से मैं भी इस टूल को यूज़ करूँगा अपने आगे सारे होस्टिंग के टेस्क के लिए और अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट्स के लिए भी सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे मेरे लिंक्स मिल जाएंगे अगर सपोर्ट करना चाहें तो आप लोग उन लिंक से परचेस कर सकते हैं सो दैट विल भी ऑल एंड आई विल सी यू गायस इन द नेक्स्ट वन गुड बाय